हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में जीके जीएस के जो कि 20 टॉप क्वेश्चंस है, ठीक है? तो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और बताइए किसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा चीन, ठीक है? डी इज द करेक्ट आंसर होगा, चीन इज द राइट आंसर, जो कि सबसे एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चीन है। नेक्स्ट, गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये 3 स्टार मार लीजिएगा कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। तो आपके राइट आंसर होगा यहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है, ठीक है? इसका फॉर्मूला अगर पूछे जाए कि मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, तो आप बताएंगे CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में आपका चलता है प्लास्टिक के नोट, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भेड़ में, ठीक है? डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका भेड़। भेड़ में सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है उसके दूध में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्वे में जो होता है आपका सूर्य हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, आपका रीट में पूछा गया, डीटेट प्लस बी में पूछा गया है, बिहार टेट में भी रिपीट हुआ है। आप जितना स्टार मारना है 5 स्टार लगा दीजिए कि किसी में जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सबको पता है ये सोडियम हो जाएगा आपका यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो राइट आंसर होगा भारत में, ठीक है? ए इज द राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिली देश में पाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर, चिली देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा आपका टमाटर उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील में सबसे ज्यादा पीने का पानी, बी इज द राइट आंसर, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि डी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद में आपका चार मीनार स्थित है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2008 से आईपीएल की शुरुआत की गई थी, ठीक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा गया है विश्व में, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये सबको पता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर विटामिन मतलब क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पे मैंने विटामिन से 60 क्वेश्चन 70 करवाए, ठीक है? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक है? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1983 में क्या हुआ था, सबसे पहले भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है, ए इज द राइट आंसर, कृष्णा नदी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ के सीटेट में पूछा जाता है, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस में और अदर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में ये स्थित है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, भारत में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार लीजिएगा आप तीन। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख में जो होती है बहुत कम ही वर्षा होती है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज 20 क्वेश्चन हो गए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।